हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल आई विल डिस्कस विद यू राइट नाओ इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ विल रेस्ट जुडिकाटा अप्लाई अपॉन एन इरोनियस डिसीजंस ऑफ लॉ और नॉट लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन डीपली सो व्हाट क्वेश्चन सेज इज बच्चे कि विल द रेस्ट जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है क्या जो कोर्ट के एरोनियस डिसीजनस होते हैं उन पर अप्लाई होगा कि नहीं

नहीं है ठीक है एंड द कोर्ट डिसाइडेड दैट इट हैज नो जुरिस्टिक्शन एंड देयर फोर इट रिटर्न द ओके कोर्ट ने भी कहा कि हा हमारे पास डिसीजन करने की पावर नहीं है एंड वी आर रिटर्निंग दिस नाउ ए टू द ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट एंड हेयर अगेन बी प्लिया दैट इट हैज नो जुरिस्डिक्शन रादर रेंट कंट्रोलर हैज द जुरिस्डिक्शन एंड बिफोर बी सेड रेंट कंट्रोलर हैज नो जुरिस्डिक्शन राइट

दैट इशू रेस जुडिकाटा विल अप्लाई ठीक है ना अब वो ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकता है कि रेंट कंट्रोलर का इसमें जुरिस्डिक्शन है बिकॉज उस पर ऑलरेडी स्यूट डिसाइड हो चुका है और उसमें डिसाइड हुआ था कि रेंट कंट्रोलर का फाइनल में कोई भी जुरिस्डिक्शन का हक नहीं है ठीक है अब भी दोबारा से ऑब्जेक्शन उठाएगा तो दिस इस पर क्या होगा रेस जुडी अप्लाई करेगा प्लस ही ऑल्सो क्लेम्स विल ऑल्सो अप्लाई अपॉन बी बी के ऊपर वाई बिकॉज अर्लियर ही सेड रेंट कंट्रोलर डेव जुरशन एंड नाउ ही कोड डेव जुरशन ठीक है ना बच्चे तो आपको समझ में आ रहा है केस तो अब यहाँ पर ए क्या कहना चाहता है का जो of of भी फैसला था so यहाँ पर क्या होना चाहिए, रेस होना चाहिए. और बी पर वो क्या कह रहा है कि उस पर स्टॉपल लगना चाहिए बिकॉज बी कैन नॉट टर्न बैक एंड सेन्ट कंट्रोलर का दोबारा से इस पर जुरिस्डिक्शन होगा अब बी क्या कह रहा है बी की कंटेंशन क्या है की रेंट कंट्रोलर ने रेंट कंट्रोल एक्ट को गलत इंटरप्रिटेशन किया है ही हैड मेड रोंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेंट कंट्रोल एक्ट एंड सिंस इट वॉज द रोंग डिसीजन विल नॉट अप्लाई इट इज द कंटेंशन ऑफ बी ठीक है बी ये कहना चाहता है कि रेंट कंट्रोलर का तो एक्चुअल में तो रेंट कंट्रोलर का ही होता है बट उन्होंने रेंट कंट्रोल एक्ट के डिफरेंट या फिर गलत प्रोविजंस लगाए हैं गलत इंटरप्रिटेशन किया है दैट्स उनका जो डिसीजन है वो रॉन्ग है और उस पर रेस जुडी अप्लाई नहीं होगा सो द डिसीजन ऑफ द रेंट कंट्रोलर वॉज इरोनियस इन लो इट्स बी कंटेंशन ये बात बी कह रहा है ठीक है बच्चे और जो बात स्टॉपल की है स्टॉपल अप्लाइज अपॉन द फैक्ट and not upon law so its b contention and jurisdiction is a question of law to so, baat yahan par b ye keh raha hai now we have to decide issue kya hai that the contention jo a hai a is plaintiff is that on the issue of jurisdiction of rent controller the rent controller has already heard and finally decided the issue therefore res judicata of that decision would apply एंड ऑल्सो स्टॉपल भी अप्लाई होगा अपॉन द डिफेंडेंट बी पर क्यों बी कैनॉट क्लेम अपोजिट थिंग्स एट द सेम टाइम्स की पहले तो कहता है कि रेंट कंट्रोलर का जुरिस्डिक्शन ही है और बाद में कहता है कि रेंट कंट्रोलर का जुरिस्टिक्शन है उस पर रेस्ट जुडी काटा अप्लाई होना चाहिए मोर ओवर स्टॉपल अच्छा बी की कंटेंशन को अगर हम चेक करें तो कंटेंशन ऑफ बी इशू में क्या आ रहा है कि defendant की डिफेंडेंट की डिसीजन ऑफ रेंट कंट्रोलर वॉज रॉन्ग एंड रेस्ट उस पर अप्लाई नहीं होना चाहिए और स्टॉपल द फैक्ट समझ में आ रहा है बच्चे एंड अदर्स वर्सिज दो बच्चे ये थ्री जजेस बेंच था देन इट वॉज अ लैंडमार्क जजमेंट अनदर इज अवतार सिंह वर्सिज जगजीत सिंह टू जजेस बेंच थी नेक्स्ट केस वॉज द आई एम टेलिंग यू दीज द मेजर लैंडमार्क जजमेंट ओके नेक्स्ट वॉज इजाबेल जॉनसन वर्सिज एम एसाई तो जो इजाबेल जॉनसन वर्सिज एम एसाई केस था बचे इसमें क्वेश्चन अराइज हुआ कि वेदर स्टॉपल विल अप्लाई ऑन द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन जो अभी हमने जस्ट ये पढ़ाई स्टॉपल आई राइट द मेजर केस लो ताकि आपको ध्यान रहे इजाबेल जॉनसन वर्सेस वर्सेज एम ओके? टू जजेस बेंच केस था इसमें क्वेश्चन अराइज हुआ फर्स्ट वेदर स्टॉपल विल अप्लाई ऑन द क्वेश्चन ऑफ जुडिसिक्शन एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज था इवन इफ दर्लियर डिसीजन वाज रॉन्ग विल इट बी बाइंडिंग एज अ रेस्ट रेजिकाटा जैसे जो रेंट कंट्रोलर एक्ट था इसका जो अर्लियर डिसीजन है क्या ये इस पर रेजिकाटा अप्लाई होगा

बहुत मेजर लैंडमार्क जजमेंट है बच्चे जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कीप योर अटेंशन क्या था देखिए एग्जाम्पल वेदर देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी दैट इज प्योर क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और इश्यूज सेकेंड इज मिक्सड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ एंड थर्ड वॉज प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ ठीक है तो अब इनसे रिलेटेड अगर हम देखें तो प्योर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है एग्जाम्पल देख लीजिए कि वेदर देर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी दैट इज द प्योर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वेदर द कॉन्ट्रेक्ट गॉट फ्रस्ट्रेटेड दैट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ मिक्सड है मतलब ये ठीक है मीन्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज ऑल्सो इन्वॉल्व सो दिस इज द मिक्सड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट

ओके बच्चे सो सच लो विच विल नॉट अफेक्ट द सब्सटेंसिव लीगल द पार्टीज़ वो हमारा प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होता है सो प्योर फैक्चुअल इश्यूज़ विल बिलोंग लाइक दिस हाउस बिलोंग्स टू मी ठीक है ना दिस इज माई प्रॉपर्टी फैक्ट्स ऑफ लॉ जो मिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं लाइक वेदर आई हैव सक्सीडेड टू दिस हाउस और नॉट दैट इज द फैक्ट Whether person died or not and whether I am a legal लीगल or not so I am succeeding that is law so that is the mixed question of law and fact कोई person की death हो गई है ये fact है और मैं उसको उसकी प्रॉपर्टी को आगे सक्सीड करूंगी या करूंगा दैट इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ तो दैट इज mixed फैक्ट आ गया प्योर क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको बताया जैसे दिस हाउस इज mine आई दिस property बिलोंग्स टू मी एंड प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है

तो डिसीजन सही है या गलत इट विल बी बाइंडिंग एज अ रेस जुडिकाटा यू कैन नॉट फाइल फ्रेश सूट इवन इफ इट इज अ रोंग डिसीजन इट विल बी बाइंडिंग बाय रेस जुडिकाटा बट ओनली ऑन थ्री पॉइंट्स किन पॉइंट्स पे इफ इट इज वॉज अ रोंग ऑन द पॉइंट ऑफ फैक्ट इफ इट वाज़ रोंग ऑन द मिक्स्ड फैक्ट लॉ और इट वॉज रोंग प्योर क्वेस्चन ऑफ लॉ ठीक है अगर प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजरल लीगल राइट्स होगा विच इंक्लूड्स द क्वेश्चन ऑफ जोरिस्डिक्शन लिमिटेशन एटसेट्रा इन दैट कैटेगरी डिसीजन इज रॉन्ग देन दैट विल नॉट बी बाइंडिंग एज रेस डिडिकाटा ठीक है तो मैंने ये तीन केसेज इसलिए लिखवाए इनमें रेस डूडिकाटा अप्लाई होता है अगर आपका डिसीजन बेशक रोंग भी है किससे रिलेटेड प्योर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से related, फैक्ट एंड लॉ से प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ से तब भी, भी रेस जुडी काटा वहां पर अप्लाई होगा ठीक है ना जस्ट आई टोल्ड यू इसके दो सेपरेट डिवाइड किया गया है सो प्रोसीजरल लीगल राइट में ये अप्लाई नहीं होता है ठीक है बच्चे आपका मथुरा प्रसाद केस था आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा तो रेस्ट जुडिकाटा तो वहां पर अप्लाई होगा बट यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं हुआ था रीजन था अगर इशू ऑफ प्योर फैक्ट है तो अप्लाई होगा इश्यू ऑफ मिक्सड ऑफ फैक्ट एंड लो होगा तो भी अप्लाई होगा प्योर इश्यू ऑफ लॉ रिलेटेड टू सब्सटेंसिव लीगल राइट जिसमें होता है। But रेस इस केस में नहीं होता है, जो फोर्थ केस है जो मैंने अभी नहीं लिखा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटेड टू प्रोसीजरल राइट प्रोसीजरल राइट ठीक है बच्चे there may be fourth issue that is the pure issue of law that is the issue of interpretation of some law but not directly associated with substantive but related to your procedural legal rights so in such cases it was held that res judicata will not apply if the court had decided wrongly moreover estoppel applies only against fact and not against law so thus if the point of law for example jurisdiction a wrong decision was given then party will not bound by estoppel and ही कैन टेक इनकन्सिस्टेंट प्लीडिंग्स राइट बच्चे आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो अगर आपसे कोई पूछे विल रेस्ट जुडिकाटा अप्लाई अपॉन इरोनियस डिसीजन ऑफ लॉ आप टेक्निकली बोलेंगे नो रेस्ट जुडिकाटा डजेंट अप्लाई अपॉन इरोनियस डिसीजन ऑफ लॉ इन विच केस इफ द प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ अफेक्ट द प्रोसीजरल राइट्स इन तीन केसेस में इवन इफ डिसीजन इज रॉन्ग बट अगर वो क्वेश्चन प्योर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से है